that every religion talks the same language. Ritesh, film ko jo hai Pakistan mein ban kar diya gaya hai, to uske upar kya reaction hoga? Kyunki kuch din pehle Ritesh. Haan tak meri jankari hai, mujhe lagta hai ki unhone promo dekhkar ye film ban ki hai. Halanki meri jab Ritesh se baat bhi hui thi, to baat ye chali thi ki पूरी फिल्म देखे. कभी कभी बहुत सारी, मैंने पहले भी कहा है कि आइसोलेशन में कुछ भी चीज़ खटक सकती है इन अ प्रोमो, पर प्रोमोज आर डिज़ाइन टू टिटलेट योर इमेजिनेशन, और इसलिए ताकि आपको एक्साइट करे आप फिल्म देखने आए. तो शायद आइसोलेशन में आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये शायद खटक रहा है, पर जब पूरी फिल्म आप देखोगे इसका मैसेज, इट्स एक्चुअली एन एंटी टेररिज्म फिल्म. अगर ये कुछ प्रोपोगेट करती है ये फिल्म, इज एंटी टेररिज्म, इट फाइट्स अगेंस्ट टेररिज्म. जब तक वो फिल्म टोटैलिटी में आप नहीं देखोगे और उसका मैसेज नहीं समझोगे, तब तक आपको लगेगा शायद ये आपकी विचारधारा से के विपरीत है. मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ के सेंसर बोर्ड ये फिल्म देखे तो उनको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि ये फिल्म ना ही किसी धर्म के खिलाफ है, ना ही किसी जगह के खिलाफ है, ये खिलाफ है उन लोगों के जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते हैं. और ये फिल्म एक्चुअली डजंट टॉक अबाउट पाकिस्तान, डजंट टॉक अबाउट हिंदुस्तान, डजंट टॉक अबाउट एनी कंट्री. ये इशू जो है वो किसी भी देश से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये इशू की बात कर रहा है. जी नहीं, आई डोंट, आई एम नॉट फ्रॉम द प्रोडक्शन. मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं, मैं एक एक्टर हूँ. अगर आई एम श्योर के रिक्वेस्ट भेजी गई है हमारी ओर से वहाँ पर जाकर फिल्म दिखाने के लिए, बिकॉज कभी कभी कभार ऐसा होता है कि आप जाकर फिल्म दिखाओ, फिर इफ देर इज अ क्वेश्चन और डिबेट देन यू कैन यू नो प्रोबेबली नॉट आर्ग्यू बट ट्राई एंड एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट. लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमारे पास तो नहीं है. हेलो पुलकित सर. हेलो सर, आप एक चॉकलेटी स्टार होने के बावजूद भी आप अपनी मूवी की, आई एम फैन ऑफ यू. हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच. अब क्योंकि चॉकलेट हीरो ना उस जमाने का था, बिकॉज मैं फादर इशू से सर, अभी जनरेशन के अकॉर्डिंग सर आप दोनों जैसे हो ना, मतलब आई होप कि हम लोग सभी ऐसा ही चाहते हैं कि हम लोग भी. डिड यू नोटिस ही कॉल्ड यू यंग, हाउ स्वीट. उसके बाद थोड़ा एक वर्ड भी यूज किया था, स्टार. स्टार शायद वो सुनाई नहीं. देरी, आई एम जस्ट जोकिंग, बट थैंक यू यार. ये आई एम गोना टेल माय वाइफ, आई एम स्टिल यंग. सो या एक्चुअली अभी तक मैंने रोमांस नहीं किया स्क्रीन पर मेरी जो अगली आने वाली फिल्म है बैंगिस्तान के बाद वो है सनम रे, विच इज़ अ म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई विल बी रोमांसिंग ऑन स्क्रीन. अभी सुन तो ले अभी. ओके. और अरे नो सर, नो सर, मैं एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन, सनम रे में कौन से टाइप के चॉकलेट बने हो आप? चॉकलेट चॉकलेट मेलेडी. There's melody, there are songs, shirtless on the cliff and singing around the trees, walking by the river, holding hands. वो सब जिस तरह की movies हम देख कर बड़े हुए हैं, मैं अभी भी young हूँ, तो वैसी उसी type की फिल्म है. Okay. करण सर, critics से लेके directors तक का आपका जो सफ़र रहा ना, आप हम सबको क्या बताना चाहते हो, मतलब किस तरह का experience आपके बीच में रहा? किस टाइप का? क्रिटिक्स से लगा के डायरेक्शन का, डायरेक्टर जैसे आप रहे ना, तो मतलब किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा जो हम लोग के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? आई डोंट नो टू से, मैं हमेशा डायरेक्टर बनना चाहता था काफ़ी सालों से, क्रिटिक बनने से बहुत पहले. और जब मैं क्रिटिक बना वो मतलब वो थोड़ा मैं डिटूर ले लिया अपने लाइफ में, करियर में. लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर सिंस आई वाज अ किड, सो देयर वाजंट मच, इट वाज जस्ट फॉर सम टाइम आई डिसाइडेड टू राइट अबाउट फिल्म्स, एंड आई रियली अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स, व्हाट आर द काइंड ऑफ फिल्म्स पीपल आर मेकिंग, व्हाट डज द ऑडियंस लाइक एंड नॉट लाइक, एंड व्हाट डू आई लाइक एंड व्हाट वुड आई लाइक टू मेक. सो दैट रियली हेल्प्ड मी इन शेपिंग माई फर्स्ट फिल्म. रितेश,
आजकल की हर मूवीज को 100 करोड़ कमाना एक शौक बन गया है. एंड आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसमें बैंगेस्टन डोंट नीड टू अर्न 100 करोड़. नहीं, एक बेंचमार्क सा बन गया है, विच इज ग्रेट. इट्स लाइक आई टेल यू व्हाट, किसी अगर वनडे मैच में पूरी टीम का स्कोर ही 75 हो तो 100 रन कौन कैसे बनाएगा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो हर फिल्म का बिजनेस का डायनामिक्स अलग होता है. और अगर 100 करोड़ बने तो ग्रेट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बट कि किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए दैट्स नॉट द बैरोमीटर के आपकी फिल्म की बजट क्या है, कितना पब्लिसिटी पे खर्चा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या, रिकवरी क्या है, इस पर ही निर्भर होता है. और आजकल रिकवरी के अलग अलग माध्यम भी है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे सैटेलाइट हो, ओवरसीज हो, म्यूजिक राइट्स है, होम वीडियो है. तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए फिर एक फिगर आता है कि यस, दिस द काइंड ऑफ फिगर यू नीड टू रिकवर फ्रॉम थिएट्रिकल. और उस पर निर्भर करता है कि यस. इसलिए मैंने कहा था कि बैंगिस्तान का बजट वैसा नहीं है जिसके लिए 100 करोड़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है. इज़ व्हाट आई ट्राइड टू से अबाउट व्हाट. नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड एट बिजनेस हियर. आई एम रियली नॉट गुड एट बिजनेस. I just he, hope he thought Aquilan he won't be liked at all, but he's loved like so much. That is a private conversation, by the way. Hi Ritesh, over here. Hi. My question to you is that you're the son of a political leader, and now you're in the last many years you're a celebrity in your own right. How easy or difficult has it been to have a political opinion of your own as an individual, even when it comes to choosing?